नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेट्स प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, काफी सर्दियां पड़ रही हैं और ऐसे में हमारे पेट्स को भी सर्दियों से बचाने की जरूरत होती है। अदरवाइज अगर आप उनका ध्यान नहीं रखते हैं तो उनको ठंड के कारण होने वाली बहुत सी बीमारियों या बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं ठंड में अपने डॉग्स का किन बातों का ध्यान रखें। ठंड का मौसम है और ऐसे मौसम में जो है अपने पेट्स को ठंड से बचाने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं रखते हैं, केयरलेस होते हैं, तो वैसे में हमारे डॉग्स को या पेट्स को जो है ठंड की शिकायत हो सकती है और ठंड के कारण उनको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ठंड से बचाव के लिए हम लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे अपने डॉग्स का, कि प्रयास करेंगे कि ठंड से उनका किन बातों पर ध्यान रखें बचाव के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है कि उनके लिए गर्म कपड़ों का व्यवस्था करें, जैसे स्वेटर्स या जैकेट्स। मार्केट में देखते हैं कि बहुत तरह के जैकेट्स मिलते हैं, तो अपने डॉग के साइज के हिसाब से जो है पेट शॉप पर जाकर और वहां से जो है अपना जैकेट्स वगैरह जो है ले लेना है, ताकि अपने डॉग्स को आप एक कोजी और वार्म इन्वायरमेंट जो है दे सकें। दूसरा चीज ध्यान रखने का है कि उसमें अपने डॉग्स को के एक्टिविटी को जो है काफी लिमिटेड रखें। जैसे बहुत बार हम लोग अन्य दिनों में भी जो है डॉग्स को बाहर घुमाने ले जाते हैं, दौड़ाने ले जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए ले जाते हैं, तो प्रयास करें कि जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो तो उसमें उसको, चूंकि पूरे घर में तो रख पाना संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टाइमिंग में डिले कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में काफी ठंड है तो थोड़ा एक दो घंटे उसमें हम लोग टाइमिंग का लेट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा देर बाहर रखना अच्छा नहीं है। तो उसमें हम लोग उसको उसके टाइम को कम कर देते हैं, जितना कम से कम उसको अंदर रखें। और इंडोर एक्टिविटीज का व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं, जैसे उसके लिए इंडोर टॉयज जो है बहुत सारे वो ला सकते हैं, क्योंकि बिना फिजिकल एक्टिविटी के भी आपका डॉग्स जो है उसको अदर हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो सकते हैं। तो एक्टिविटीज तो कराना है, लेकिन उसको इंडोर एक्टिविटीज में कन्वर्ट कर लेना है, आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा लिमिट कर देना है। और फिर जब दिन का समय हो, जब हल्का धूप निकल जाए या मौसम थोड़ा सा ठंडक कम है, तो उस समय उसको फिर बाहर में हम लोग ले जा सकते हैं या आउटडोर एक्टिविटीज उस समय करा सकते हैं हल्का सा। तो ध्यान रखना है कि उसमें इंडोर एक्टिविटीज जो है बढ़ा सकते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सारा टॉयज जो है डॉग का उसको अपने घर में ही यूज करा सकते हैं। तीसरा जो बहुत ध्यान देने का बात है उसके डाइट पर, क्योंकि ठंड काफी है तो ऐसे में जो है बॉडी से हीट लॉस भी काफी होता है, तो उसका डाइट भी जो है आपके डॉग्स का या जो भी पेट आपने पाला है उसका डाइट भी जो है बढ़ जाता है। वैसे में उसको इनहांस जो है डाइट देने का जरूरत पड़ता है, ताकि ठंड का जो जरूरत है उसको वो फुलफिल कर सके। उसके साथ साथ जो है ठंड में एक बहुत चीज हम लोग जो ध्यान नहीं रख पाते हैं वो होता है कि हमको लगता है कि अभी तो बहुत ठंड है, डॉग पानी पीना भी कम चाहता है, लेकिन उसमें उसको डिहाइड्रेशन होने की समस्या हो सकती है, क्योंकि बॉडी से जो है बॉडी को गर्म रखने के लिए बहुत सारा आप देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन के थ्रू जो इवेपोरेशनल लॉस होता है वो भी काफी होता है, और फिर स्वेटर वगैरह जो पहना कर या जैकेट वगैरह पहना कर रहते हैं तो उसमें भी डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है। तो इसलिए उसको जो है ल्यूक वार्म वाटर जो है बार बार समय समय पर देते रहे उसको। तो ये तीन चीज जो मुख्यतः जो है हम लोगों ने बताया, जैकेट्स का इस्तेमाल या उसको आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम करना है, और डाइट पर जो है विशेष ध्यान रखने का जरूरत है। इसके अलावा जहां भी आपका केनल है या जहां भी आप अपने डॉग को रखते हैं उसका बेडिंग मटेरियल जो है उसको आपको चेक करना है, वो साफ सुथरा रहे और वो थोड़ा वार्म मटेरियल का जो है रहे, ताकि उसको कम से कम ठंड लगे और उसको एक कोजी इन्वायरमेंट जो है मिल सके। अगर घर में आपका फ्लोर है तो प्रयास करें कि उस पर जो है कोई भी दरी या फिर जो है उस टाइप का कुछ कॉटन का रख दे, ताकि उसको जो है फर्श से लगने वाला जो फ्लोर से जो ठंडक लगती है वो कम लगे। और उसके बाद ऐसे में जो है कि जब काफी ठंडा हो का, तो उस समय अपने डॉग्स का हेयर कट से अवॉइड करें, उस समय बाल ना कटाएं, क्योंकि बड़े बाल जो उस समय रहेंगे तो वो एक फर का काम करते हैं और डॉग्स के चारों तरफ जो है एक वार्म इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो वैसे में डॉग्स का जो है हेयर कट को अवॉइड करें और उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, जब ठंड घटेगे तब उसमें जो है उसको अपने डॉग्स के हेयर कट के लिए ले जाएं। और बाथिंग से थोड़ा बाथिंग को अवॉइड करें, बाथिंग को ठंडक में जब काफी ठंड पड़ रही हो वैसे में अपने डॉग्स को जो है नहलाए नहीं, क्योंकि नहलाने के कारण भी जो है उनको कोल्ड का कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है शुरू। तो इन मोटी मोटी बातों का ध्यान रख के हम अपने डॉग्स को जो है ठंड लगने से बचा सकते हैं।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।